तीन बोतलें मिलके एक लीटर बनाएंगी, ये दो बोतलें मिलके एक लीटर बनाएंगी, ठीक है, जितना नशा आपको उसमें तीन बोतल पीने के बाद मिलेगा उतना नशा दो बोतल में मिल जाएगा। उसके लिए आपको 165 × 3 करना पड़ेगा, 500 के आसपास का अमाउंट बनेगा। ये आपको दो बियर मिल जाएंगी आराम से 220 की, ठीक है, तो मतलब आधे रेट में ज्यादा मजा ज्यादा टेस्ट। वेल दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। मेरा नाम है रवि, ये है राहुल, और बीच में आज हमारे पास दो बड़े टावर रखे हुए हैं। एक तरफ है बी यंग इंडियन क्राफ्टेड बियर और दूसरी तरफ है कोरोना, मेक्सिको से निकली हुई वर्ल्ड फेमस बियर। एक 1925 का ब्रांड है, एक 2018 का ब्रांड है, जो धीरे धीरे इंडिया में अपनी पकड़ बनाता जा रहा है और सिंगापुर और हांगकॉन्ग में ऑलरेडी फेमस है। तो इसलिए हमने इन दोनों का कंपैरिजन इसलिए भी कराया क्योंकि एक धीरे धीरे यहाँ पे फेमस हो रहा है, एक ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस है। एक्चुअली मैं पिछले रिव्यू में मैंने बोला भी था कि काफी ज्यादा इन्होंने मैच कर दिया है कोरोना का, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंपैरिजन रिव्यू बनाई जाए, इनका संबंध कराई देते हैं, देखते हैं कि वाकई में है भी कि नहीं। तो पकने का बात है करेंगे कंपैरिजन। तो मेरे लिए तो भाई क्राफ्ट बियर, अच्छा तो मेरा देसी राइट, देख कितनी जल्दी पकड़ा है भाई, बंदा बड़ा चंटा है, तो देसी बंदा देसी पकड़ेगा, ठीक है। इधर तब तक आप अपनी खोलो। और भाई इन दोनों के रिव्यूज हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं अपनी वीडियोस में, तो आपको चाहिए तो आप इनको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी से इन दोनों का जो पूरा वीडियो आप देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगी इनके बारे में। तो इससे पहले कि इसका फिजीनेस ऊपर के फ्रॉथ खत्म हो, जल्दी से हम नोजिंग करते हैं, ठीक है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही एक्सीलेंट वाली नोजिंग, बढ़िया वाली। हाँ सॉरी, हमारे पास दो ग्लास नहीं है, नई लोकेशन है भाई। मेरे को ना वो थोड़ी ज्यादा सिट्रस ही लगी इसमें, सिट्रस के साथ थोड़ा सा ना आपको इसमें थोड़ा सा आप इसको हनी फील कर जाओगे आप नोजिंग के टाइम पे। ये प्रॉपर जो मतलब बियर का वो फ्लेवर होता है ना वो दे रही है, मतलब ये अच्छा वाला है ना। ये थोड़ा सा लाइट है इसके मुकाबले, और थोड़ा सा उसमें हनी भी फील हो जाएगा। ये तो प्रॉपर सिट्रसी है। चलो भाई वही अमेजिंग टेस्ट, हनी और बार्ले, अमेजिंग कॉम्बिनेशन और अमेजिंग बियर। इनर प्रोफाइल के हिसाब से बार्ले मॉल का फ्लेवर बिल्कुल आ रहा है, हनी का माइल्ड सा पता नहीं लगेगा, लेकिन वो अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल अपने आप को बरकरार रखे हुए हैं। उसकी प्राइस रेंज के हिसाब से वो बहुत ही अच्छी बियर है मेरे हिसाब से। ये जो बियर है ना, ये इंडियन मार्केट में कब्जा करेगा बिकॉज ऑफ टेस्ट, ठीक है ना। आने वाला टाइम बताएगा कि आने वाले टाइम तेरे बी का। मेरे हिसाब से ये इससे थोड़ी बेटर लग रही है, और ये एक्चुअली में बी एम है, इधर रख लेता है। कलर से पता चल जाएगा ये लाइट है ये डार्क है। कलर देख लो भाई, ये बिल्कुल लाइट गोल्डन है और वो एकदम थोड़ा सा गोल्डन कलर आ रहा है। और इसका जो टेस्ट है ना, ट्रॉपिकल कंट्री के हिसाब से जो एक टेस्ट होना चाहिए बियर का, थोड़ा सा पता चलना चाहिए इंडियन वाले थोड़ी हार्ड टेस्ट। तो उस हिसाब से इसका टेस्ट एकदम बैलेंस, एकदम बढ़िया है बियर का। कोरोना का क्या है, टेस्ट उसका भी अच्छा है, बट ना वो बहुत जल्दी टेस्ट गायब हो जाता है मुंह से, बहुत जल्दी स्मूथ होकर नीचे तक जाती है, इसका टेस्ट मुंह में रहता है, ठीक है। तो इसका मैं ये कहूंगा लिंगरिंग इफेक्ट जो है ना वो काफी अच्छा है कोरोना से, ठीक है। आप मेरे हिसाब से बीइंग एन इंडियन, मैं इसकी इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ या मैं इसको इसलिए आगे नहीं रख रहा हूँ क्योंकि ये इंडियन बियर है, मैं भी इंडियन हूँ नहीं। रीजन ये है कि अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका थोड़ा बहुत तो टेस्ट मुंह में रहे, ये ऐसा मेरी सोच है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये बेटर बियर है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ नोजिंग ऑल्सो, ठीक है। कि 110 रुपए का पॉइंट है ये, ठीक है, और ये कितने का है हमारा, कितने एमएल का पॉइंट है, 500 एमएल का, 500 एमएल 110 रुपए, और वो 330 एमएल 165 रुपए भाई, ठीक है। तो ये तो इन एनी केस आपको ज्यादा दे ही रहा है, वो थोड़ा इम्पोर्टेड बियर है तो उसका प्राइस तो नो डाउट आपको ज्यादा देने ही पड़ेंगे। बट मेरा कहना यहाँ पे ये है भाई कि जब इंडिया में ऑलरेडी इतनी अच्छी बियर मिल रही है, वो भी इतने अच्छे प्राइस टैग में मिल रही है, तो अब इम्पोर्टेड बियर का सिर्फ शोशा है, टेस्ट का मेरे को नहीं लगता अब ज्यादा कुछ है। क्योंकि भाई पता है क्या चीज है, ये बियर पियोगे टेस्ट खत्म, ठीक है ना, और ये बियर ना ऐसा है कि आप ये बियर पियोगे दो या तीन, ठीक है ना, और वो बियर पियोगे आप एक से दो, और बराबरी में मजा आने वाला है बाद में, क्योंकि इतना एंड भाई आपको नशा चाहिए, आपको ही पता है।
है ना, बियर पियो नशा ना हो तो फिर बात ही क्या है। Exactly. बियर नशे के लिए भी पीता है, टेस्ट के लिए पीता है। वो अगर... तीन बोतलें मिलके एक लीटर बनाएंगी, ये दो बोतलें मिलके एक लीटर बनाएंगी, ठीक है। जितना नशा आपको उसमें तीन बोतल पीने के बाद मिलेगा, उतना नशा दो बोतल में मिल जाएगा। उसके लिए आपको 165 × 3 करना पड़ेगा, जो कि आई गेस आराम से आपका 500 के बीच में अमाउंट है, और इसका 500 के आसपास का अमाउंट बनेगा। ये आपको दो बियर मिल जाएंगी आराम से 220 की, ठीक है। तो मतलब आधे रेट में ज्यादा मजा, ज्यादा टेस्ट। हाँ, और यहाँ पे मजा आता है कि दो बियर कितने की मिल जाएगी, यहाँ पे मजा आता है। दिल्ली में आओ, आप दिल्ली में आ जाओ, ठीक है, और कम में पाओ, और भी कम में, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली का ऐसा हो गया, एक पेटी खरीदो दूसरी पेटी खरीदो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मजा आएगा आपको, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा बहुत सारे फ्रेंड है पार्टी में, काफी ज्यादा लोग हैं, मस्त बाय बियर है, बीएम ट्राई करो और मजे लो, ठीक है ना। बहुत कम फ्रेंड है, एक दो दोस्त आ रहे हैं पार्टी में, आपको भी अच्छी बियर पीनी है, उनको भी अच्छी बियर पिलानी है, दोनों का मिक्स कर लो। और अकेले बैठे हो तो भाई कोरोना से बैठे, कोई फ्रेंड नहीं है आपका। मैं कहूंगा अकेले बैठे कोरोना एंजॉय करो, पेटी पी जाओ, बॉटल पी जाओ, कोई फायदा, कोई मजा ही अलग है भाई, मैं कहूंगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा आज का कंपेरिजन, आई होप आपको पसंद आया हो, एंड नो डाउट दोनों अमेजिंग बियर है, ठीक है। दोनों अलग अलग टेस्ट प्रोफाइल लेके आते हैं, बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा अलग है, 19-20 का फर्क है टेस्ट प्रोफाइल में, ठीक है। ये बहुत जल्दी ऑलमोस्ट सेम टेस्ट देके बहुत जल्दी मुंह से गायब हो जाती है, ये मुंह में रुकती है, ठीक है, ये फर्क है। बाकी टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, पसंद ना होता तो क्या है। तुम्हारे व्यूअर्स को पसंद है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, और कमेंट बॉक्स में बताओ कंपैरिजन कैसा लगा, और किस बियर का आपको कंपैरिजन चाहिए ये भी बताना, कर देंगे यार, उसके लिए तो कुछ भी है। अगेन जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस, ऐसे ही मजेदार रिव्यूज के लिए हमारे साथ बने रहे। जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए ब्रांड के साथ, तब तक लाइव दोगुना की तरफ से चीयर्स।